तो आज हम मौजूद हैं स्माइल एंड ब्यूटी फैशन गाला पे, जो प्रेजेंट किया जा रहा है बाय स्माइल आर्ट एंड फैशन फाउंडेशन ने, जिन्हें ये गाला ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सैलॉन्स के ऑनर्स आए हुए हैं जो मास्टर क्लासेस दे रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगे हैं जो खवातीन के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स डिस्काउंट्स के साथ उन्होंने ये गाला अरेंज किया। इसी के साथ हम ब्यूटी फाउंडेशन की ऑनर से बात करते हैं और इस फैशन ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईद आलम शाह शाह। आपका इंट्रोडक्शन? मैं सस्सी प्रोडक्शन की सीईओ हूं। ये मैं इवेंट ऑर्गेनाइज किया है मैंने, ये छोटे से एक काविश है मेरी। अच्छा, तो ये आज का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है। आज के इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और जिस तरह के होते रहते हैं इस हवाले से आप नाज़रीन को क्या मोटिवेशन और क्या इन्फॉर्मेशन दें? जी मेरा मकसद यही होता है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बच्चियों को इकट्ठा करें जो वन डे में ही जो है उनको 4-5 डेमोज दिए जाते हैं। जैसे आज हेयर पे भी लेक्चर हो रहा है, उनकी हेयर की बारीकियाँ जो क्वेश्चन करती हैं, उनके आंस जो है, और बहुत एक नॉर्मल से हमने किसके चार्जेस रखे होते हैं कि जिसमें तो हम इसके हमारे एक्सपेंस भी नहीं निकलते, बट ये कि सिखाना का हमारा मकसद है कि हम इनको शाइन करके आगे लेके आएँ ताकि ये जो बच्चियाँ हैं शाइन होकर अपना रोज़गार खुद जो है वो हासिल कर सकें। चाहे एक घर में एक कॉलर चेयर होगी, अपनी फैमिली का तहफ़ होंगी, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के गाना बड़े फैसिलिटेट करती हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, सिर्फ एक हल्की सी टिकट खरीद के, और आके आप यहाँ पे इतनी अच्छे सैलॉन्स के ऑनर्स से आके मिल रहे हैं, उनसे मास्टर क्लासेज ले रहे हैं। और हमारा एक और ये चीज़ है, हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हमारे साथ कंपनी भी कॉपरेट करती हैं, वो 50% 20% डिस्काउंट देती हैं। फिर जिससे ब्यूटिशियंस को होता है कि इवेंट और हमें डिस्काउंट पे जो है हमें चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए फिर वो उनका ये भी होता है कि हम शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो विजिट करती हैं। बहुत शुक्रिया जी नाजीन। तो एग्जीक्यूटिव क्लासेस के सीआर हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था इस तरह के इवेंट्स बहुत बेहतरीन होते। मैम क्या कहेंगी आज के हवाले से आप? बहुत ज़बरदस्त इवेंट है आज का, और हमेशा से चांद इफ्तार साहब ने बहुत कम पैसों में और जितनी भी नई ब्यूटिशियंस हैं जो बिगनर्स हैं उनको मौका दिया है कि वो आएँ सीखें। पूरी ही नॉलेजेबल क्लास थी, कोई शोर नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ भी नहीं, और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं। इस तरह के प्रैक्टिकल्स इवेंट्स जो होते हैं तो लोगों का अटेंड करने चाहिए, मोटिवेशन? जी देखिए, अब गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, न्यू कमर्स भी हैं, हम जैसे सीनियर्स भी आए हुए हैं, और मेरे साथ हैं राजा बशीर मसीह और उनके मिसेस। ओवर टू राजा साहब। जी नाजिन, तो मेरे साथ ख्वाजा बशीर हैं जो वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं हेयर आर्टिस्ट हूँ। हेयर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं राजा बशीर साहब, उनसे बात करते हैं। जी सर, प्रैक्टिकली ये जो इवेंट्स होते हैं बड़ी मोटिवेशनल लेवल लोगों को मिलता है, जो अवेयरनेस मिलती है, और आप इसके मजीद वाला क्या करते हैं? देखिए, ऐसी क्लासेस होनी चाहिए नए स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए सीखने को कुछ मिलता है। आज भी बच्चों के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो उनके लिए अगले नए सीखने की चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, आज कैरेटिंग ऑन स्टेज की गई है, इससे भी बहुत कुछ इंसान सीखता है। सर, जो प्रैक्टिकल लेवल आके जो एक इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, और वो वेरी लेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कर रहे हैं, तो ये लोगों के लिए बड़ा काम है। तो जो लोग मोटिवेट होकर आते भी नहीं हैं, उनको आप क्या मैसेज? उनको आना चाहिए, इवेंट्स में आना चाहिए, और आने से आपका एक लोगों से मिलने से वेरिएशन मिलती है। हर बंदे का नॉलेज अलग अलग होता है, जैसे इनके पास नॉलेज अलग है, इस पहले के पास नॉलेज अलग है, मेरे पास नॉलेज अलग है। खवातीन हेजिटेशन फील करती, उनको चाहिए कि वो बढ़ के बात करेंगे तो उनको काम खत्म होगा ना। अब एक बैठ चुप करके बैठा रहेगा, उसे काम नहीं होगा, वो गलती करके इस इंसान सीखता है। थैंक यू सो मच। इनकी वाइफ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी मैम वालेकुम अस्सलाम। जी मैम क्या कहेंगी? आपके हस्बैंड तो हेयर आर्टिस्ट हैं, इसके हवाले से आप जो खवातीन हैं उनको क्या मोटिवेट? मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि अपने लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ख़ासतौर पर लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती है। जो कहते हैं ना कि नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ कि कर सकते हैं। वो सर ने कभी आपके बाल शाल बनाए? ये बाल उन्होंने बनाए। ठीक है, मतलब अच्छे बना ले? बहुत अच्छे। कहे कि इस तरह का स्टाइल नहीं चाहिए मुझे, इस तरह का स्टाइल नहीं, उन्हें पता है कि मुझे जो चाहिए वो खुद ही बना देते हैं। बहुत शुक्रिया। और सर वकार साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि अगर कोई क्लास हो रही है तो ऑर्गेनाइज़र उस क्लास को अरेंज करने में बहुत सारे पैसे लगाता है, तो आप क्लास में आके
काम सीखा करें, वहाँ पे कमेटी की बातें ना किया करें, वहाँ पे टिकटॉक ना बनाया करें, काम सीखा करें। अगर आप अपना घर चलाना चाहती हैं, उसको सर्वाइव करना चाहती हैं, तो माँ बाप के पैसे या अपने खामदों के पैसे ज़ाया मत करें। हमारे साथ एक खूबसूरत सी मॉडल भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सनिया। सनिया मॉडल है? यस। तो क्या कहेंगी आप आज के हवाले? बहुत अच्छा शो है, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी। तो हमारे साथ शाजिया सलोन की ऑनर मौजूद हैं, जो भी जो इस गाला में आई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया ही है। शाजिया है, आपके नाम से सलोन है। बाय द वे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसके साथ आज के गाला के हवाले से आप क्या करें? थैंक यू सो मच जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, और माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा है, और इस तरह के बिगनर्स के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि वो सीख सकें, उनको न्यू टेक्नोलॉजी का पता चले। और वैसे भी यहाँ पे डेमो काफ़ी दे रहे हैं ब्रांड्स, और काफ़ी ब्रांड्स भी हैं ताकि उनकी चीज़ें भी परचेज़ कर सकें, वो भी डिस्काउंट में दे रहे होते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और सर चांद माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट्स करते हैं, और रमशा जी भी बहुत अच्छा इवेंट्स करती हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है इनके इवेंट्स में आके। तो हमारे साथ गैलेक्सी टच की कलर कॉस्मेटिक्स के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ये खूबसूरत से जो आई शेडोज हैं, और जो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ये परचेज हैं इनकी, ये आपकी खुद की प्रोडक्शन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेड इन पाकिस्तान है, और यहाँ मैन्युफैक्चर होता है लाहौर में, और लाहौर की प्रोडक्ट है। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने मेकअप में इतनी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च की है, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं की, अच्छी क्वालिटी में। बाकी तो फेक जो भी आए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन 9.5 साल हो चुके हैं हमें इसके ऊपर वर्क करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आल पाकिस्तान में हमारी क्लासें भी होती हैं, और इसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी है। अभी नेक्स्ट मंथ में हमारा कराची में एक क्लास है, और वहाँ टीवी पर हमारा एक प्रोग्राम भी है। बहुत शुक्रिया जी नाजीन। तो गैलेक्सी टच के ऑनर मौजूद हैं, और ये जो ग्लिटर्स आई शेडोज हैं, ये आई गेस मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, और ये मार्केट में बेहतरीन वैल्यू रखते हैं, और ये बहुत बहुत शानदार होते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे होने की वजह से हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की बिल्कुल ज़रूरत है। जी नाजीन, तो शिवानजी कॉस्मेटिक्स की हमारी वाइस प्रिंसिपल मौजूद है, जिन्होंने ये खूबसूरत सी ब्राइड भी तैयार किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम क्या कहेंगी आज के इवेंट के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इवेंट करवाया है सर चांद ने और मैम रिमशा ने मिलके, अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे, और बहुत सी दुआएं हैं इनके लिए। और बिगनर्स के लिए ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बिगनर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि बिगनर्स जो हैं वो आएँ और क्लासेस ज्वाइन करें, न्यू से न्यू टेक्निक सीखने को मिलती है। लेकिन ये है कि जो अगर कहें कि हल्ला गुल्ला और ये वो, तो वो प्लीज़ इस तरह की क्लासेस में, ये सीखने वाली क्लास है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिल, प्रैक्टिकल आके आप लर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको यहाँ पर बहुत कुछ जो सीखने वाला है उसको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। सलॉन्स के ऑनर्स आए हैं, जो आके मास्टर्स क्लास दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रेंड्स अपने मेकअप के हवाले से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। बताएं आप सरगोधा से? जी मोस्ट वेलकम। नहीं जी, मैं शेखपुरा से हूँ, और शेखपुरा में बेसिक हमारी तंजीम है जो हमारी काम कर रही है लेडीज़ के लिए, और जो जैसा कि ब्यूटिशियंस की तंजीम को अच्छा, ब्यूटिशियन के शोबे को अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन उसके लिए हमने वर्क करना शुरू किया है। और ये मेरे साथ है सिला साजदा जो उधर की सदर है, और मैं किरण असगर जनरल सेक्रेटरी, और हमारे साथ है मेकअप आर्टिस्ट जो सिला में है, इनकी बेटी हीर, और बड़ा अच्छा मेकअप करती है। और आज इंशाल्लाह ताला ऑन द स्टेज आप उसका काम देखिएगा, और इंशाल्लाह मेकअप के बाद आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है। इस तरह के जो गालाज ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़े एक्सपेंडिचर्स उठा के होते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? और जो औरतें आती हैं, खवातीन आती हैं लेने, उनके लिए क्या मोटिवेशन कहेंगी? जी ऐसा है कि इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम शेखपुरा में फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस करवा रहे हैं, और मेरी एकेडमी है किरण आर्ट ब्यूटी एकेडमी, मैं उधर यतीम बच्चियों को फ्री ऑफ कास्ट सिखा रही हूँ, और जो हमारी क्लास मंथली होती है उसमें हम कोई पेमेंट नहीं लेते, विदाउट टिकट आती हैं बच्चियाँ।
जी नाजिन, तो शेखुपुरा से हमारे साथ किरण आर्ट की ऑनर मौजूद थी। उनका कहना था वो शेखुपुरा में उनका सैलून है और वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दे रही हैं, तो ये बड़ी बात है, वहाँ पे जाएं और इनसे क्लास लें। आज के गाला के हवाले से आप क्या कहें? बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत मज़े का है, मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट होने चाहिए और बहुत ही दिलकश है, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इस तरह के इवेंट पे आना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के इवेंट्स जो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और मास्टर्स क्लास लाते हैं, इस हवाले से जो खातून आना पसंद नहीं करती उनको क्या कहें? मैं कहती हूँ जो घरों में बैठी हुई खातून उनको इस तरह के इवेंट पर ज़रूर आना चाहिए, ताकि इनकी एक तो इन्वायरमेंट अच्छी हो जाती है और दूसरा इनको जो मतलब आजकल के लिहाज से होता है वो बहुत अच्छा कुछ देखने को भी और आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाता है उनको। बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि जो खातून फैशन शोज़ में आने मुनासिब नहीं समझती या वो हेजिटेट फील करती है, उस तरह को इस तरह के इवेंट्स में आना चाहिए और इस तरह के इवेंट्स बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। नाज़िम, तो हमारे BCL कॉलेज की चेयरपर्सन मौजूद है जिनसे आज के हवाले से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, क्या कहेंगी इस तरह के गालास के हवाले से? प्रॉपर जो है जी, इस तरह के इवेंट होने चाहिए क्योंकि जो न्यू लर्निंग स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव कोर्सेज जो हैं ये वन डे में उनके बारे में काफ़ी अच्छे, यानी कि बच्चों को जो है ना टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। हमारे साथ मौजूद है महमूदा सलीम की वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आज आप ये फैशन गाला पे मौजूद हैं जहाँ पर आप नीडी लोगों के लिए जो फाउंडेशन जो है डोनेशन इकट्ठी कर रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो नॉट फॉर द सेक ऑफ ऑल दिस, आई एम वर्किंग फॉर ऑल दोज के इस वक्त हमारे पाकिस्तान पे जो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है उनके लिए मैं ये कैंपिंग और ये सब कुछ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें जितने लोग भी मेरे साथ मिलें मेरे लिए ऑनरेबल होगा, ठीक है। और फ्लड इफेक्टिस में जितने लोगों को और जितनी से सख्ती ज़िंदगियां मैंने देखी हैं उसके बाद मैं कहती हूं कि घर में बैठने की बजाय ये प्लीज़ आइए, बाहर निकलिए, जितने खूबसूरत लोग मौजूद हैं, हम जन्नत में रह रहे हैं और मनोसलवा खाते हैं, तो वाई नॉट कि हम उन लोगों के लिए भी बाहर निकलें जो इस वक्त इंतहाई मुसीबत में हैं, वो और वो हमारे बहन भाई सिर्फ हमारी जो उम्मीदें हैं या हमारी कुछ डोनेशन के मुंतज़र हैं, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। नाजिन, महमूदा सलीम ट्रस्ट वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद थी, उनका ये कहना था कि वो डोनेशन इकट्ठी कर रही हैं जो जहाँ पे नीडी लोगों के लिए। आज के गाला के हवाले से आप कहेंगे और अपनी ब्रांड के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ब्रांड जो है ये है हर्बल तेबे नबी पे, इसका काम है, जड़ी बूटियों का ब्रांड है ये, और इसमें जितनी भी प्रोडक्ट है वो स्किन की और बालों की रिपेयरिंग मतलब ट्रीटमेंट के हवाले से है, और हमारे पास फेशियल जो है वो भी फ्रूटी फेशियल है, मैजिक ग्लो मास्क है, इसी तरह नेम पाउडर एक्ने के लिए है, मेन के आप जो केमिकल यूज़ करते हो स्किन पे और बालों के बाद में उसकी रिपेयरिंग के लिए हमारी प्रोडक्ट वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगी। जी, तो स्माइल आर्ट एंड फैशन की जानिब से होने वाला आज फैशन गाला बेहतरीन रहा, और इस तरह के इवेंट्स और एग्जीबिशन जो गालाज होते हैं वो उन लोगों के लिए बिगनर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं और प्रैक्टिकल उनको अच्छे अच्छे और बेहतरीन किस्म के मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइल्स और प्रोफेशनल्स जो ब्यूटिशियंस होते हैं उनसे मास्टर्स क्लासेस लेने का भी मौका मिलता है। इस तरह के इवेंट्स आएँ, अटेंड करें और मज़ीद प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।